इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपके पास ONT है, राउटर है, मॉडम है, कुछ भी है, अगर आप उसको रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट आप कैसे करिएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके पास जो भी ONT है आप उसके बैक साइड में आ जाइएगा। जो बैक साइड में आपको यहाँ पे दिखेगा एक रीसेट का बटन, इस बटन को आप 10-20 सेकेंड तक आप पुश करके रखिएगा, जिसके कारण ये अभी आपको रीसेट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, जैसे ही आपका रीसेट होगा ये सारे जितने भी LED है वो कंटिन्यूसली आपको जलने लगेगा। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अभी इसको रीसेट करने वाला हूँ। देखिए अभी इसको मैं रीसेट करूंगा, रीसेट जैसे ही करेंगे उसके साथ साथ सारे अभी LED देख सकते हैं कि आपके सारे LED ये जलने लगा, जिससे ये मालूम चलता है कि ये मॉडम अभी हमारा रीसेट हो गया। रीसेट होने के बाद आपको फिर से इसको रिकॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। रिकॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको लगेगा इसका यूजर ID, पासवर्ड और VLAN। इसके हेल्प से आप इंटरनेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और वॉइस कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसका वॉइस IP की जरूरत होगी। इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए हमेशा चीज ये ध्यान रखिएगा कि रीसेट करने से पहले आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड और जो भी है इन्फॉर्मेशन बेसिक आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ताकि कॉन्फ़िगरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू।